हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आवत। और आप लोगों के लिए आई हूँ टॉपिक तो जिसका नाम है एनालॉजीज। तो हम आज जो देखने वाले हैं वो है हमारा एनालॉजीज टॉपिक। तो एनालॉजीज बेसिकली होती क्या है, इसमें आपको रिलेशनशिप्स बताऊंगी। या तो आपके पास में टू रिलेशनशिप्स गिवन होंगे ऑलरेडी इस वर्ड का, इस दूसरे वर्ड के साथ में जो रिलेशन है राइट, वो सेम रिलेशन आपको जो नेक्स्ट पेयर गिवन है या तो पेयर में बताना है, फोर पेयर्स गिवन होंगे उसमें आपको बताना होगा, या फिर उस पेयर को ब्रेक करके आपको एक वर्ड जो है वो क्वेश्चन में दे दिया जाएगा और आपका उस पेयर को आपको कंप्लीट करने के लिए जो सेकंड वर्ड है ना, यू हैव टू फाइंड आउट राइट, आपको ये करना होगा। तो बेसिकली ये आपकी एनालॉजीज होती है। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं हम बिना देरी के। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब पर, एंड इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है। डेफिनेटली आपके लिए ये सेशंस हेल्पफुल होंगे इफ यू गाइज आर टारगेटिंग सीमेट और अदर जो भी आपके मैनेजमेंट एग्जाम्स है या फिर और भी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कमेंट करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने वो कुछ इस तरीके से है, आपको बताना है जो आपके पास में ऑप्शन गिवन है वो कुछ ऐसे रहेंगे। क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट में आपके पास में आने वाला है या फिर मे बी हो सकता है कि आपके पास में पैराग्राफ फॉर्मेशन के बेसिस पर भी आ जाए राइट, तो आपको वैसा बताना होगा। तो चलो देखते हैं इसको, बेसिकली इसमें करना क्या है हमें। तो फर्स्ट वर्ड जो है आपके पास में गिवन है आपको कुछ इस तरीके से कि इन इन डॉलिंस का जो रिलेशन है वर्क के साथ में राइट, तो वो रिलेशन जो है आपको फाइंड आउट करना है जो अदर वर्ड है, जैसे कि इसका रिलेशन जो है वर्क के साथ में वही रिलेशन आपको बताना है। टेसिटर्न, टेसिटर्न किस से रिलेटेड है, रिलेटेड जो है इनमें से किस वर्ड के साथ में है। तो बेसिकली टेसिटर्न जो है वो उसका जो रिलेशन है वो है आपका स्पीक के साथ में, है ना। टेसिटर्निटी आपने सुना होगा। वैसे ही ऑप्टल्मिया जो है वो एक आपका रिलेशन है आईज के साथ में। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रिलेशन है आईज के साथ में, इट मींस कि आप बोल सकते हो जो आईज इन्फेक्शन जो उससे रिलेटेड है ऑप्टल्मिया, है ना, रेडनेस इन आईज। तो वैसे ही आपका रिकेट्स जो है ये जो डिजीज है ये किससे रिलेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिकेट्स जो है वो रिलेशन है आपके बोन्स के, बोन्स की जो आप स्ट्रेंथ बोल सकते हो वो वीक हो जाती है। नेक्स्ट है आपका नन। अब नन का जो रिलेशन है कन्वेंट के साथ में, बेसिकली नन जहाँ रहती है उस जगह कन्वेंट बोलते हैं, वही रिलेशन आपका हेन के साथ में आपको बताना है बेसिकली। तो हेन का जो रिलेशन है वो किसके साथ में है, तो इट मीन्स कि हेन जहाँ पे रहती है ना, जो उनका होम है उसे हम क्या बोलते हैं, हेन का जो होम है उसे हम क्या बोलेंगे वो आप बताएंगे यहाँ पे मुझे। ओके सो इसका जो रिलेशन है वो किसके साथ में है, कॉट, बोलते हैं कॉट। नेक्स्ट आ जाइए रीडिंग का जो रिलेशन है साथ में, रीड करने से आपको मिलता है, वैसा ही सेम रिलेशन आपको बताना है वर्क। वर्क करने से आपको क्या मिलता है, वर्क करने से आपको मनी मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, एंगेजमेंट मिलता है, क्या मिलता है वो आप बताएंगे। तो बेसिकली देखो रीड करने से जैसे आपको नॉलेज मिलता है, नॉलेज इन ब्रॉडर एस्पेक्ट में आप सोचिए, जैसे अगर आप कोई चीज़ रीड करते हो तो आपको नॉलेज मिलेगा, वैसे ही अगर आप वर्क करेंगे आपको क्या मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, जहाँ एक्सपीरियंस होगा मनी क्या मिलेगा आपको, एक्सपीरियंस मिलेगा। नेक्स्ट आपका है ड्रेस, जैसे ड्रेस का रिलेशन है बॉडी के साथ में राइट, जैसे ड्रेस का रिलेशन है बॉडी के साथ में वैसे ही आपका बैंगल्स का रिलेशन, जैसे कि ड्रेस बॉडी कवर करने के लिए बॉडी पे पहन, वैसे ही बैंगल्स को कहाँ पहना जाता है, बैंगल्स को पहना जाता है रिस्ट पे राइट, तो आपकी कलाई है, कलाई पे पहना जाता है वॉचेस को राइट। वैसे ही आपको बताना है जैसे कॉलेज का रिलेशन है टीचर्स से राइट, टीचर्स से कि टीचर्स के बिना कॉलेजेस तो नहीं हो सकते, वही उन्हें चलाते हैं टेक्निकली कहा जाए। वैसे ही हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल का रिलेशन साथ में है डॉक्टर्स के साथ में, तो पेशेंट्स भी हैं बेड्स भी है सब हैं। विदाउट डॉक्टर जो आपके, विदाउट डॉक्टर जो आपके हॉस्पिटल्स हैं ऐसा। नेक्स्ट चलते हैं जैसे फ्लावर का रिलेशन है बर्ड के साथ में, अब फ्लावर का बर्ड के साथ में क्या रिलेशन, बर्ड से ही क्या बनते हैं, फ्लावर्स बनते राइट। वैसे ही फ्रूट का रिलेशन किससे होता है, एक बर्ड होता है फ्लावर बन जाता, वैसे ही पहले फ्लावर होता, फ्लावर से क्या बनता है, फ्रूट। जैसे जेड का रिलेशन है ग्रीन के साथ में, जेड ग्रीन लाइक कलर है, गार्नेट का किसके साथ में रिलेशन, गार्नेट का किसके साथ में रिलेशन है वो आप बताएंगे, गार्नेट का रिलेशन किसके साथ में है, रेड के साथ राइट, रेड के साथ में। नेक्स्ट पे आ जाइए जैसे टेबल का रिलेशन है वुड के साथ, क्या रिलेशन, वुड से बना हुआ होता है टेबल, है ना,
मटेरियल है जो यूज़ करते हैं टेबल बनाने, जैसे शर्ट बनाने के लिए कौन सा मटेरियल किया जाता है, कॉटन की, कॉटन यूज। नेक्स्ट आ जाइए, जैसे जैकल, जैकल का रिलेशन है हॉल के साथ में, क्या रिलेशन है हॉल के साथ में, उसका काइंड ऑफ जो वॉइस है ना वो है, तो ये कैसे बोलता है हॉल। वैसे ही काऊ का जो रिलेशन है वो किसके साथ में है, बताओ, सी या डी में से एक होगा, काऊ की जो वॉइस है उसको हम क्या कहते हैं, डी मो, ये तो बोलती है काऊ। जैसे कैट का रिलेशन है किटन के साथ, वुमेन, वुमेन के जो बच्चे हैं क्या बोलते हो, पप्पी तो नहीं बोलते हो, बेबी, बेबी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कौन सा है, छोटा। नेक्स्ट पे आ जाइए, हॉर्स का जो रिलेशन हूफ के साथ, ऐसे ही ईगल का रिलेशन किसके साथ में है, हॉर्स का जो रिलेशन है हूफ के साथ में, ऐसा ही सेम रिलेशन जो है वो आपको बताना है नेक्स्ट के साथ, वो देखिए क्या है, क्या है, क्लॉ, राइट। हॉर्स का पैर का जो निचला हिस्सा होता है हूफ बोलते हैं, ईगल के को क्या बोलते हैं, हाफ, सॉरी क्लॉ। फॉरेस्ट का रिलेशन का जो वेरियम के साथ, वैसे ही आपको सी का रिलेशन बता, सी का तो काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं सी का, सॉरी फॉरेस्ट का जो शॉर्टर वर्जन है हम विवेरियम कैसे कहते हैं, सी के शॉर्टर को आप क्या बोलोगे, क्या बोल सकते, एक्वेरियम, राइट, एक्वेरियम। वैसे ही वॉक का रिलेशन रन के साथ, वॉक का जो वॉक मीन्स क्या होता है, चलना, लेकिन अगर आप वही थोड़ा जोर से चलने लगो या उसका जो एप्रो वर्जन है, वर्जन है वो आप क्या बोलते हैं? वो देखो जो एक्स्ट्रा वर्जन है, प्रो वर्जन है, आप क्या बोलेंगे, वॉक के प्रो वर्जन क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे हम रन, वॉक मींस चलना। वैसे ही ब्रीज, ब्रीज मींस क्या, हवा, अगर वही हवा तेज चले, जोर से चले, क्या बोलेंगे, कोल्ड बोलेंगे, डस्ट बोलेंगे, विंड बोलेंगे या एयर बोलेंगे, बताइए जरा, तो हम क्या बोलेंगे, विंड बोलेंगे या एयर बोलेंगे, एयर मीन्स तो होता है हवा, राइट, तो उसका जो ब्रीज का जो एक्स्ट्रा वर्जन प्रो वर्जन है, जोर से अगर हवा चल रही है क्या बोलेंगे, विंड बोलेंगे। क्या बोलते हैं, इवन विंड, एक्स इज ब्रीज। जैसे कि वैक्स से बनता है ग्रीस, राइट, अब आप ये बताइए मिल्क से क्या क्या बनता है, ड्रिंक तो नहीं, घी बनता, घी तो बनता, वो भी तो मिल्क से, प्रोटीन बनता, वो भी टेक्निक, ओके, या कर्ड बनता है, डायरेक्टली मिल्क से क्या बनाया जाता है, घी बनाओगे या कर्ड बनाओगे, क्या बना सकते, कर्ड या घी, डेफिनेटली घी जो है कर्ड बन, देन उसको बना फिर जाके टू फॉर्म्स चेंज हो गए, देन बन, मच इज रिलेटेड, देखो मच और मैनी में पहले रिलेशन, राइट, काउंटिंग, आपको मेजर, मेजर का रिलेशन, मेजर का रिलेशन बता किसके साथ, काउंट के साथ, कैलकुलेट के साथ में है और वे के साथ, मेजर मीन्स मापना, नापना, काउंट मीन्स मच जो है वो मेजरमेंट के साथ यूज, राइट, मैनी रिलेटेड है काउंटेबिलिटी से, राइट, वैसे ही जो है अपना या
अंडरस्टैंड करता है, सेम रिलेशन. काफ इज रिलेटेड टू काउ, काफ काउ का बेबी होता है. वैसे ही किटन, ये तो अभी बताया था. किटन का रिलेशन किसके साथ में है? तो बेसिकली स्मोक इज स्मोक करने से और करने क्या आपको नेगेटिव टर्म्स में, नेगेटिव टर्म्स में देखिए, स्मोक करने से पोल्यूशन होता है. कुछ लोग तो स्मोक में भी पॉजिटिविटी, स्मोक करने से ऐसे ही और करने से भी मिलता है, कभी कभी तो होता है. तो सबसे नेगेटिव पॉइंट है माउंटेन इज रिलेटेड, राइट? माउंटेन ईवो टू सॉरी माउंटेन्स का जो स्मॉल वर्जन, ईवो का रिलेशन is tank. Dogs is bark. Sound hai. What's kya hoga? What is related to so ये था आपका एनालॉजीज. अब इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्म में इंग्लिश बेस्ट वुमन शिखा टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, वहाँ पर, राइट? सारे के सारे जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, और जो ये वाला पीडीएफ भी है सेम, प्लस जो एक्स्ट्रा आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, तो उनको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा. इसके आपके बेसिकली यू कैन एक्सपेक्ट टू थ्री क्वेश्चंस आ जाते हैं इसके, मिनिमम मतलब मैक्सिमम टू क्वेश्चंस ही रहते हैं, 1 to 2 क्वेश्चंस के करीब. तो आप इनको देख लीजिएगा, ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस इसके आएंगे नहीं. जो आपको इसके जो बाकी प्रैक्टिस है वो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा. तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर रहे हैं, एंड मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में. तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइज.